नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में खाद्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने आधाताल के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की और मसाले के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा भोपाल मुख्यालय द्वारा मसालों की जाँच करने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आधारताल स्थित कृष्णा इंडस्ट्रीज, पॉपुलर इंडस्ट्रीज, पॉपुलर गृह उद्योग एवं एक अन्य फैक्ट्री पर जांच करवाई गई। इस दौरान खाने में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के मसालों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। यदि इन मसालों में मिलावट पाई जाती है तो उसे बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई है आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश पर। आज मसाले वाले जो लाइसेंसधारी हैं, उन समस्त जो आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में मसाले निर्माण करते हैं, उन सभी यूनिटों से नमूना एवं निरीक्षण कार्य किया गया है। इस क्रम में पॉपुलर इंडस्ट्रीज, पॉपुलर गृह उद्योग, कृष्णा इंडस्ट्रीज एवं एक और इंडस्ट्रीज से सैंपलिंग कार्य किया गया है। सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षा प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं और रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई। हाँ, सभी मसाला यूनिटें जो लाइसेंस कैटेगरी में हैं, उनके सभी के नमूना कार्य लिए जा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जबलपुर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।